सन 1781 3 अप्रैल के दिन प्रकट हुए भगवान श्री स्वामी नारायण ने छपिया और अयोध्या में अनेक दिव्य लीलाओं से सभर अपना बचपन बिताया बाल घनश्याम के रूप में। और सन 1792 29 जून की रात को उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य का प्रारंभ किया नीलकंठ वर्णी के रूप में। इस संसार के सारे बंधनों को त्याग कर अनंत जीवों के कल्याण के द्वार खोलने के लिए नीलकंठ वर्णी चल पड़े एक अद्वितीय कल्याण यात्रा पर। बाढ़ से उफनती हुई सरयू नदी की ओर नीलकंठ वर्णी की इस असाधारण यात्रा का प्रारंभ साधारण कैसे हो सकता था। प्रकृति की गोद में पैदल चल पड़े केवल 11 वर्षीय नीलकंठ वर्णी अकेले थे, फिर भी रोमांचित थे क्योंकि संसार के सारे बंधन दूर अयोध्या में ही छूट चुके थे। जैसे जल की बूंदें जल में ही मिलकर रह जाती हैं, वैसे ही वे मुमुक्षुओं के बीच रहना चाहते थे और अब तो उनके चरण भी मुक्त थे हर उस जगह तक जाने के लिए जहां वे जाना चाहते थे। अमरपुर गांव की धरती पर सूर्योदय तो हर रोज की तरह हुआ था, पर आज वहां के लोगों को कुछ अधिक प्रकाश मिला। एक बाल योगी की कांति का प्रकाश। प्रसाद के लिए धन्यवाद। अब मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। बालयोगी, अगर आप लंबी यात्रा करके आए हैं तो आज के दिन यहीं रुककर विश्राम करके जाइए। अभी तो मेरी यात्रा आरंभ हुई है और मुझे बहुत लंबी दूरी तय करनी है।
जैसा आप उचित समझे। ये लीजिए, शाम के लिए कुछ फल साथ ले जाइए। सुबह शाम की चिंता करनी होती तो संसार का त्याग ही क्यों करता? जो जीवन के अगले पल देंगे वे ही पल पल के लिए सब कुछ देंगे। यहाँ के लोधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने करवाया था, ऐसा माना जाता है। महादेव जी का यहाँ सदैव निवास है। निडर, निशंक और निश्चल गति से अविरत यात्रा कर रहे नीलकंठ वर्णी की जीवन शैली एक योगी की परिभाषा को जैसे उन्नत कर रही थी। जो कुछ भी भोजन मिले उससे निर्वाह कर लेना उनकी आदत बन चुकी थी। एक ब्रह्मचारी की तरह आसन मुद्रा में ही निद्राधीन होना उनका नियम बन चुका था और मुमुक्षुओं की खोज में चलते रहना उनका नित्य क्रम। नैमिषारण्य की धरती पर जब नीलकंठ वर्णी का आगमन हुआ तब उनकी भेंट वहां वर्षों से योग साधना कर रहे मुनिगण से हुई। आपकी उपस्थिति से ही प्रतीत हो गया कि हमारी वर्षों की योग साधना सार्थक हो गई, अर्थपूर्ण हो गई। योग साधना की अर्थपूर्णता तब होती है जब योगी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर प्रत्यक्ष परब्रह्म में जुड़ जाए, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति के लिए कठिन से कठिन योग साधना करने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए सर्वप्रथम अपनी आत्मा, ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूपों की भिन्नता को यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। हमने इतनी साधना की किंतु आज तक ऐसा कुछ तो सुना ही नहीं। बालयोगी, आपके विचारों में कुछ नवीनता है। हमारी अभिलाषा है कि आप सदैव हमारे साथ यहीं रहें। वैसे भी इस नैमिषारण्य से अच्छा स्थान इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। ऋषिवर, जहां भी भगवान या उनके सच्चे ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष की निश्रा